विषय विलास विरागा, ये मनुष्य इस मोई रूपी रात्रि में तभी जाग सकते हैं जब मनुष्य के जीवन से विषय और विलास ये दोनों ही दूर हो। ये दूर कैसे हो सकते हैं? तो होई विवेक मोय भ्रम भागा, जब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक तभी आएगा, भ्रम व्यक्ति के जीवन से तभी दूर होगा जिस व्यक्ति का मन मेरे भैया श्री राम जी के चरणों में होगा। क्योंकि सखा राम जी कौन है तो मैंने चिंतन किया है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलग अनादि अनुपा। राम जी ब्रह्म है, अनादि है, घट घट के वासी है, जो सकल विकारों से रहित है। सकल विकार रहित गत भेदा कई नितने निरूपय वेदा, जो सकल विकारों से रहित है, जिनका नेत नेत कहकर वेद और पुराण वर्णन करते हैं, राम जी वो है। राम जी का अवतार इस वीर भोग्या वसुंधरा में कब कैसे और किनके लिए होता है हम आपसे बतलाते हैं। भगत भोम भूसुर सुरभ सुर हित लाग कृपाल, करत चरित धर मनुज तन सुनत मिटे जगजाल। राम जी का अवतार इस वीर भोग्या वसुंधरा में ब्राह्मणों के कारण होता है। राम जी का अवतार इस पृथ्वी पे भक्तों के कारण होता है। राम जी का अवतार इस पृथ्वी पर गौ माता के कारण होता है। और जो भी भक्त राम जी के चरित्र को देखते हैं एवं सुनते हैं उसी मनुष्य के जीवन से सारे जंजाल दूर होते हैं। इसलिए सखा तुम्हें चिंता नहीं इनकी, इन्हें चिंता तुम्हारी है, तुम्हारे नैया के खवैया श्री अवध बिहारी हैं। सखा समझ अश्परिहर मोहु श्री रघुवीर चरण रत हो। इधर उधर से मन हटाइए, सीता जी और राम जी के चरणों में मन लगाइए, जिसमें आपका कल्याण है हमारा कल्याण है। एक बार बड़े प्रेम के साथ में बोलिए, बोलिए आनंद कंद प्रभु श्री राम चंद्र की जय। राम गुण गान करते करते धनुषारा हो गया है, आओ प्रभु की सेवा में चला बहुत राम गुण जागे जग मंगल सुख दारा, सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट चीर मगावा। हेलो हेलो, इक्यावन रुपया संजय कुमार कल्लू भैया वार्ड नंबर 14 के सभासद के उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सखा प्रभु, अब आप कहीं से वट का दूध मंगा दें जिससे हम अपनी जटाएं बना सकें। राज सेवक, वट का दूध लाया जाए। सकल सोच मनुज सहित सिर जटा, देख सुमंत्र नयन जल छाए। क्या इसी दृश्य को दिखाने के लिए अब तक मेरे नेत्र ये खुले रहे? हे प्रभु, ऐसा दृश्य देखने से पहले मेरे नेत्र बंद क्यों नहीं हो गए? याद होगा राघव, याद होगा जिस समय आखेट के लिए जाते थे, घोड़े पर सवार होकर के आखेट के लिए जाते थे, तो ये बूढ़ा मंत्री सुमंत कई बार तुम्हारे शरीर के अंगों को देखता था कि राम कहीं चोट तो नहीं आई। आज ये सुंदर केस आपने सुंदर केसों को जटाओं का रूप दे दिया।
मन का ये श्रृंगार वापिस चलिए अवधि को रथ सन्मुख तैयार दिखाई।